खबर भोपाल से। वार्ड क्रमांक 73 भोपाल में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक का भव्य स्वागत विकास यात्रा पर वार्ड क्रमांक 73 के विधायक प्रतिनिधि विनोद साहू द्वारा माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का तुलादान और भव्य स्वागत किया गया। विनोद साहू मित्र मंडल द्वारा जगह जगह मेन रोड पर मंच लगाकर उनका जोर जोर से स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं में जनसमूह में बहुत खुशी देखने को मिली। श्रीमती कृष्णा गौर ने कई करोड़ों की लागत से करोद मंडी गेट के सामने से मेन रोड का निर्माण और शिवनगर कॉलोनी में नाला निर्माण की घोषणा की, जिससे रहवासियों और कॉलोनी वासियों के चेहरे पर एक नई खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि शिवनगर कॉलोनी वासी हमेशा बरसात के समय पर 2 घंटे की बरसात में ही शिवनगर कॉलोनी के स्कूल की छुट्टी देनी पड़ती थी और रहवासी नाले से काफ़ी परेशान थे। इस बात की सौगात माननीय विधायक जी ने दी। अंतिम वार्ड क्रमांक 74 होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वार्ड में, इस मंडल में विकास यात्रा को सही स्वरूप दिया है और जगह जगह मिले अपार जन समर्थन ने हमारे आपके विश्वास को कई गुना बढ़ाया है। आज हमारी विकास यात्रा को भोजन अवकाश के बाद हमारे भाई, हमारे विधायक प्रतिनिधि, जानदार विधायक प्रतिनिधि, और मुझे पता है कि इस विकास यात्रा को इतना भव्य स्वरूप देने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे खुशी है यह कहते हुए आज आप सबके बीच में, जिस दिन हमने इन्हें विधायक प्रतिनिधि बनाने का निर्णय लिया था, उस दिन मेरे मन में एक आत्मविश्वास और पैदा हो गया था कि मेरे भाइयों की श्रेणी में, श्रृंखला में एक और मजबूत स्तंभ अब जुड़ने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में हमारे भाई विनोद साहू जी ने जिस प्रकार से अपना परिचय, अपना व्यवहार बनाया है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी सक्रियता, आपका इस क्षेत्र में काम, लोगों के बीच में आपके काम करने की शैली। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच उपस्थित गोविंदपुरा की आदरणीय विधायक, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, ऐसी कोई गली मेरे हिसाब से तो नहीं बची जिसका काम रुझाने रह गया हो। यानी जब से हम वो संभाला, जब से यह बाढ़ पीड़ित एरिया था श्रीनगर कॉलोनी में, 16 करोड़ रुपए की लागत से नाले का आज भूमि पूजन कराया आदरणीय हमारे विधायक जी ने, हम सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि अगर 1-2 घंटे की बारिश आ जाती थी तो यहाँ स्कूल बंद हो जाते थे, छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि स्थिति यह थी कि कोई निकल भी नहीं सकता था हमारे श्रीनगर में। कम से कम ये कि बहुत बड़ी समस्या थी और आदरणीय विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य की सौगात लेके आएंगे, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, दीदी का स्वागत करा, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।